अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने इसी फैन को जो आपके सामने पड़ा है, इसका वजन था 5.5 किलो। तो हमने इसको एसीडीसी में तब्दील किया है। और पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम पार्ट वन के अंदर आपको इसकी प्रॉपर फिटिंग दिखाएंगे और पार्ट टू के अंदर आपको इसकी मुकम्मल कनेक्शन कैसे करना है और इसके वाट कैसे चेक करने हैं और इसके आरपीएम कैसे चेक करने हैं। तो इस वीडियो में हम आरपीएम, वाट और इसके कनेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी ओपन कर लें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको एडवांस बता रहा हूं ताकि आप मतलब नोटिफिकेशन ऑन करें, जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो आप उसको फौरन देखें और आपको इस चीज की नॉलेज हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा जो 18 स्लॉट वाला स्टेटर है, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें 30 वाट वाले स्टेटर के बारे में कुछ बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 12 वाट के और 12 स्लॉट वाला और 18 स्लॉट वाला इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मालूमात देंगे। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीजें दिखाएंगे। ये पंखा भी इंशाल्लाह वही सेम है, इसके ऊपर वजन भी लिखा हुआ था 5 किलो 565 ग्राम, मतलब 5.5 किलो इसका वजन था। तो अभी हमने इसके साथ ब्लेड वगैरह लगा के अम्पेयर मीटर के साथ इसके अम्पेयर चेक करने हैं और अम्पेयर को हमने वाट में किस तरह से करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा और हमने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन करेंगे। अभी आप गौर से देख लें, अक्सर आप कमेंट्स करते हैं कि आपने हमें कनेक्शन नहीं बताया कि आपने कनेक्शन कैसे किए हैं। तो आज मैं आपको कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि हमने इसके कनेक्शन कैसे किए हैं। अगर अगर फर्ज करें कि जिनको मैं सामान भेजता हूं, मैं दो कलर इस्तेमाल करता हूं, मतलब दो वायर एक कलर की होती है और एक वायर अलग एक कलर की होती है, तीन वायरें होती हैं। और अक्सर लोगों के माइंड में यह सवाल होता है कि अगर ये तीन अलग अलग कलर हो तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई भी मसला नहीं है, चाहे एक कलर हो, चाहे दो कलर हो, चाहे तीन कलर हो, आपने एक एक करके सर्किट के साथ लगानी है। और अगर चक्कर उल्टे हो तो आपने दो तारों को एक दूसरे के साथ चेंज करना है। जिस तरह हम थ्री फेस का काम करते हैं उसकी मोटर के अगर आरपीएम उल्टे हों तो हम उसके चक्कर सीधे करने के लिए हम दो वायरों को एक दूसरे के साथ तब्दील करते हैं। तो अभी मैं आपको पहले कनेक्शन करके दिखाता हूं, उसके बाद हम इसके ब्लेड वगैरह लगाएंगे, लगाने के बाद इसके वाट अम्पेयर हर चीज आपके सामने रखेंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट से, आपके तावन से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए डेली बेस पे कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अभी दिन को काम रात को वीडियो, मतलब दोनों काम हम मैनेज कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन किस तरह से करने हैं, ये मेरे पास यूनाइटेड का सर्किट है, ठीक है, ये आप चेक कर लें। और अभी हमने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं मैं आपको कैमरा नजदीक करके, मतलब जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दोस्तों ये हमारी तीन वायरें मोटर की हैं, दो रेड कलर हैं, एक ब्लैक है। अक्सर मैंने दो ब्लैक एक रेड होती है वायर, इनका कोई मसला नहीं है, आपने इनकी इंसुलेशन वगैरह उतार लेनी है एक एक करके। और उसके बाद आपने ये जो हमारा सर्किट है इसके ऊपर ये मोटर की तीन तारें होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैक लगा होता है, तो ये जैक भी होता है ना, अक्सर लूजिंग की वजह से जल जाता है, तो हमने ये जैक वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। हमने ये तीन वायरें लगाएंगी, इनके ऊपर लिखा हुआ है मोटर, ये देखें यू वी और ये डब्ल्यू, और ये दो वायरें हमारी 12 वोल्ट की, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 12 वोल्ट बैटरी दोनों वायर के ऊपर, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जो हमारी वाबा की सप्लाई है AC220 IN, और ये भी AC220, ठीक है। और ये तीन तारे जो हमारी मोटर की हैं, हमने तीनों को एक एक करके इसके साथ लगा लेना है। आप कोई भी एक वायर पकड़ के जिस तरह मर्जी लगा ले, इसके इसमें न्यूट्रल का कोई चक्कर नहीं है, ये तीनों फेस ही निकलते हैं, एक एक करके आप लगा लें, ठीक है। और उसके बाद आप इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे लें या 220 की सप्लाई दे के आप चेक कर लें कि हमारे
चक्कर इसके सीधे हैं या उल्टे हैं। जिस तरह ये देखें, ये तीन मोटर की वायरें थी और ये तीन हमारे सर्किट की थी। हमने तीनों को एक एक करके लगा लिया। मैंने कोई भी तार किसी के कलर के साथ मैच नहीं किया। अक्सर लोगों के माइंड में सवाल होते हैं कि एक उसमें रेड तार है, एक ब्लैक तार है, तो हमने इसको कैसे लगाना। आपने कलर मैच करें या ना करें, इसमें कोई मसला नहीं है। एक एक करके आपने तीनों के साथ एक एक करके वायर लगा लेनी है। उसके बाद हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई लग गई। अभी इसके चक्कर बिल्कुल सीधे हैं, ये देखें। अभी इसके जो आरपीएम है वो सीधे है, ठीक है। अभी हमें इसकी जो मतलब जो वायरिंग की हमने, जिस तरह हमने जोड़ वगैरह लगाए हैं, इसके साथ हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और कर लेता हूं। ये देखें, मैं इसके कनेक्शन उतार के वायर चेंज करके लगाता हूं ताकि इसके चक्कर उल्टे हों और आप दोबारा जब इसको देखो तो आपको अच्छे से समझ आ सके। इसमें काफी लोग ये भी कहेंगे कि ये बताने वाली तो बात है ही नहीं, तो जिनको नहीं पता भाई हमें उनको बताना पड़ता है। तो अभी दोबारा इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ठीक है। अभी ये चेक करें, ये हमारा पंखा उल्टा घूमना शुरू हो गया। ये आप देखें, ये पंखा हमारा उल्टा घूम रहा है, ठीक है। अभी हमने इसको सीधा कैसे करना है, ठीक है। अभी सीधा करने के लिए हमने दो वायरें एक दूसरे के साथ चेंज करनी है। ये तीन हमारी मोटर की वायरें हैं और तीन तारें हमारे सर्किट की हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये दो साइड वाली एक दूसरे के साथ चेंज कर ले, इस साइड वाली कर ले, या आप कोई भी तीन तारों में दो वायरें आपने एक दूसरे के साथ तब्दील करनी है। जिस तरह मैं ये ब्लैक और ब्लू को एक दूसरे के साथ तब्दील करता हूं, ठीक है। दो तारों को आपने एक दूसरे के साथ चेंज करना है और आपके जो चक्कर हैं पंखे के वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये देखें, एक दूसरे के साथ मैंने चेंज कर दिया। अभी दोबारा हम इसको ऑन करेंगे सर्किट को। अभी हमारे जो इसके चक्कर है वो सीधे हो चुके हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी काम है इसमें। मतलब ना ही तो आपको पूछने की जरूरत है, बिल्कुल आराम से आप इसके जो है ना वो आराम से इसके चक्कर वगैरह सीधे कर सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमने इसके साथ ब्लेड वगैरह लगाने हैं और इंशाल्लाह इसके आरपीएम वो भी आपको दिखाएंगे कि इसके कितने आरपीएम हैं। और अगर कोई भाई इसका सामान खरीदना चाहता है, कोई भी नॉर्मल एसी फैन एसी डीसी में तब्दील करना चाहता है, तो उसका टोटल पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हम रब्ता करें, इंशाल्लाह हम हर बंदे को रिप्लाई भी करते हैं। इसमें देर हो जाती है रिप्लाई करने में, क्योंकि आपके सामने हमें काम करना होता है सारा दिन, रात के टाइम वीडियो, तो इसमें काफी लोग ये भी कहते हैं तो आपको क्या फायदा वीडियो बनाने का। यहाँ पे हम पब्लिक सिटी करेंगे तो कस्टमर हमारे पास आएंगे, अगर हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे। लोगों को क्या पता कि हमारे पास कौन सी चीज अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आप जहां पे मर्जी सेल करें कोई मसला नहीं है। तो एक और बात कह रहे दोस्तों, मैंने जो सामान की रेट लिस्ट है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर मतलब ऑटो मैसेज के ऊपर रख दी है। जो बंदा भी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा उसका जो ऑटो रिप्लाई है उसके अंदर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ऐड है। मतलब है सामान के साथ कौन सी चीजें हैं और इसकी प्राइस क्या है, मैग्नेट की, स्टेटर की और इसके आर्मेचर की और सर्किट की, ये तमाम चीजें मैंने उसके अंदर ऐड की हुई हैं। तो अक्सर लोग बार बार पूछते हैं कि इनका रेट बताएं, तो इसमें ये होता है कि टाइम निकालना मुश्किल होता है, काफी ज्यादा मैसेजेस होते हैं। अगर जो ट्रस्टेड हो मतलब चीजें लेना चाहता है तो वो पैसे अकाउंट में सेंड करके वो हमारे साथ इनबॉक्स में हमें इसकी शॉर्ट स्क्रीन भेज दे, हम उसका नाम लिस्ट में ऐड करके तो उसको सामान भेज देंगे। ये नहीं समझना कि वो जवाब तो दे नहीं रहा, क्योंकि मैंने एक रजिस्टर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। उसके ऊपर मैंने जितने भी मेरे पास ऑर्डर वगैरह आते हैं वो सारे मैं उसके ऊपर ऐड कर लेता हूं। और ये देखें, जिस तरह मतलब है जिस बंदे के भी पैसे आते हैं उसी टाइम उस बंदे का नाम, उसका एड्रेस और जितना उसका सामान हो, कितने पैसे उसने मुझे सेंड किए हैं, डिलीवरी के भी दिए हैं या नहीं,
ये सारी चीजें मैं उसी टाइम उस कॉपी के ऊपर लिख लेता हूँ, ताकि अगर पैकिंग करते वक्त मतलब कोई टेंशन ना हो, आराम से मैं उसको पैक कर सकूं। तो आप आराम से, कोई इसमें धोखेबाजी वाली बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं मेरे पास, सामान खरीदते हैं, शॉप पे आते हैं। जो बंदे को यकीन ना हो कि ये बंदा सामान भेजेगा या नहीं, तो आप मेरे पास फैसलाबाद में आए, मेरी शॉप के ऊपर आप विजिट करें, तो इंशाल्लाह हम आपके सामने आपको अपना अड्डा दिखाएंगे कि हमारी रहायश कहाँ पे है और हमारी शॉप किस जगह पे है। तो अभी ब्लेड वगैरह इसके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और अभी हमने इसको लगाना है अपनी इसकी जगह पे। तो अभी इसको हम ऊपर लगाते हैं। अरे दोस्तों, पंखे की फिटिंग हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अभी हम इसको चलाएंगे और मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। अगर ये चीज कामयाब ना होती तो ये आप चेक करें मेरे पास कितने पंखे पड़े हैं जिनको मैंने एसी डीसी में तब्दील करना है। ये चेक कर लें आप, ठीक है। और ये इनकी स्क्रैप निकली पड़ी है, और ये वो पंखे हैं जो मैंने एसी डीसी में तब्दील किए हैं। रात का टाइम है, तकरीबन 11-12-1 बजे का टाइम है, तो वीडियो बना रहे हैं आप दोस्तों के लिए। अभी आप पंखा चेक कर लें, ये देख लें, ठीक है। और ये इसका आरपीएम सेंसर मीटर है, ठीक है। जैसे ही ब्लेड इसके नीचे से गुजरेगा तो ये आपको आरपीएम शो करेगा, और इसके आरपीएम आपको यहाँ मीटर के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको वापदा के ऊपर चलाएंगे, उसके चेक करेंगे कि कितने अम्पेयर निकलते हैं, और उसके बाद हम इसको सोलर तो इस टाइम नहीं है, उसके बाद हम जो 12 वोल्ट की सप्लाई है इसके ऊपर चलाएंगे, चला के आपको इसके अम्पेयर दिखाएंगे कि ये एसी के ऊपर कितने अम्पेयर ले रहा है और डीसी के ऊपर कितने अम्पेयर ले रहा है। उसका जो मुकम्मल तरीका है वो मैं आपको एक पेज के ऊपर लिख के यहाँ पे मैं एक स्क्रीन ऐड कर दूंगा, ताकि आपको मतलब अगर आप खुद वायर निकालना चाहते हैं तो किस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे, तो हमारा पंखा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप मीटर चेक कर ले, 00 मीटर है। ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये 00 के ऊपर है। जैसे ही पंखा चलेगा और इसका आरपीएम इसकी काउंटिंग करेगा, जैसे ही ब्लेड इसके नीचे से गुजरेगा और इसके आरपीएम वगैरह काउंट होंगे, और काउंटिंग जो होगी वो यहाँ पे शो होगी। ये आप इसके चेक कर लें। अभी इसके वापदा के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस पंखे का 5-5.5 किलो वजन था, और इसके जो आरपीएम है वो 376-70, मतलब 380 के करीब आरपीएम है। ये चीज आपको जो आम पंखे होते हैं जो मार्केट से सस्ते मिलते हैं, ये क्वालिटी आपको उसमें नहीं मिलेगी। जो क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप एसी फैन को एसी डीसी में कन्वर्ट करेंगे, ये आप चेक कर लें, 380 इसके आरपीएम है, ठीक है। ये हमारे वापदा के ऊपर आ रहे हैं, और पंखे की स्पीड चेक करें। ये ना समझना कि ब्लेड ऊपर नीचे करके आपने इसके मतलब हवा कम कर दी, आप हवा का फ्लो चेक कर लें, ठीक है। और ये चेक कर लें आप, और ये देखें, मैं आपको हवा का फ्लो चेक करवा रहा हूं, मतलब हवा भी इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और स्पीड भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। जो 6-7 हजार वाला पंखा है ना, अगर इसका उसके साथ कंपैरिजन करें तो ये 100% उससे अच्छी क्वालिटी में तैयार हुआ है। आप इसके आरपीएम चेक कर ले, 382 इसके आरपीएम है। अभी हमने इसके वार देखने हैं। वार निकालने के लिए अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा सेटअप दिखा दूं। यहाँ पे दो स्विच लगे हुए हैं, एक हमारा ऊपर जो मीटर लगा हुआ है उसका है, और दूसरा जो व्हाइट वाला है वो हमारे फैन को वायर जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, ठीक है। और अभी हमने इसकी जो रीडिंग है वो 40 अम्पेयर के ऊपर रख के एसी के ऊपर हमने इसकी रीडिंग चेक करनी है कि कितने पॉइंट ले रहा है ये हमारा पंखा। ये चेक कर ले, हमारा पंखा 24-25 पॉइंट ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 24-25 पॉइंट ले रहा है। अभी आपने इसके वाट कैसे निकालने हैं, 24 को आपने 220 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके वाट निकल आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने एसी के ऊपर इसके वाटेज चेक किए थे, अभी हमने डीसी के ऊपर चेक करना है कि ये कितने वार लेता है और इसके आरपीएम कितने होते हैं। वापदा के ऊपर आप चेक कर लें, 380 आरपीएम है इसके, ठीक है। अभी हम लेके चलते हैं आपको डीसी के ऊपर, हम इसको डीसी के ऊपर चला के चेक करते हैं कि डीसी के ऊपर कितने आरपीएम है और कितने वार ले रहा है।
अच्छा, ये हमारे डीसी की सप्लाई है, ये कंप्यूटर वाली छोटी जो एयर कूलर वाली सप्लाई होती है, ठीक है, 13 वोल्ट की, और जिसके ऊपर मतलब नॉर्मल एयर कूलर वगैरह चलते हैं। ये हमने जुगाड़ करके तैयार की थी, ये खराब हो गई थी, तो हमने इसको बाईपास वगैरह करके हमने इसको मतलब कनेक्ट कर लिया है, और अभी हम इसके ऊपर सप्लाई के ऊपर चलाएंगे, ठीक है। और अभी हमारा पंखा ऑन हो चुका है, ये आप चेक कर लें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये तेज होगा वैसे वैसे मतलब इसके आरपीएम वगैरह बढ़ जाएंगे। अभी एसी के ऊपर हमारे जो आरपीएम थे वो थे 380। अभी जो हमने इसके डीसी के ऊपर चेक करने हैं कि डीसी के ऊपर हमारे कितने आरपीएम है, तो आप खुद चेक कर लें एसी के ऊपर और डीसी के ऊपर आरपीएम का बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट नहीं होता, मतलब 19-20 का डिफरेंट होता है, ये चेक कर लें। डीसी के ऊपर 318 आरपीएम है इसके, 318 19-20 18 19-20, मतलब डीसी के ऊपर इतने आरपीएम है इसके, ठीक है। अभी इसकी हवा का फ्लो चेक कर लें, ठीक है, और ये सामने जहां पे मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, ये फ्लावर चेक कर लें, हवा के साथ मतलब हिल रहे हैं। और अभी हमने इसके वार चेक करने हैं, ये आप देख लें, मेरे आसपास की सारी दुकानें वगैरह बंद हो चुकी हैं सवाए मेरी दुकान से, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस वजह से जो है ना मतलब दुकानें वगैरह टोटल बंद है, सन्नाटा छाया पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर चीज बंद है, सिर्फ एक मैं इस टाइम दुकान से, क्योंकि मैंने लोगों से ऑर्डर वगैरह क्लियर करने होते हैं, ये पंखे वगैरह सारे हमने एसी डीसी में तब्दील किए हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सस्ते फैन लेने के बजाय अपना फैन ही अपना एसी डीसी में तैयार कर लें। हर मतलब क्वालिटी का फैन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मतलब काफी सारी कंपनियों के फैन पड़े हैं, और ये स्क्रैप है जो मैंने आज के पंखे किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही सक्सेसफुल काम जा रहा है हमारा। तो अभी हम इसके वाट चेक करवाते हैं आपको, मैं थोड़ा सा ना स्टैंड को सेट कर लूं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाया करें। और मैंने इसके साथ जो वायर का इस्तेमाल किया, ये आप देख लें, ये 4076 की सिल्वर की वायर है, मतलब जो लोकल वायर होती है सिल्वर के अंदर। अभी हमने डीसी के ऊपर इसको चेक करना है, यहां से पकड़ो यार इसको, ये नीचे जा रही है। तो क्लैंप मीटर को आपने दोबारा उसी जगह पर रख लेना है डीसी के ऊपर, ठीक है। और अभी हम इसके चेक करते हैं कि ये डीसी के ऊपर कितने एम्पेयर ले रही है। ये डीसी के ऊपर मतलब एक वायर के ऊपर 3.3 मतलब 3.5 एम्पेयर के ऊपर चल रहा है ये हमारा पंखा डीसी के ऊपर। अभी दूसरी वायर को भी चेक कर लें, दूसरी के ऊपर भी मतलब 2.3 अशारिया 23 अम्पेयर, मतलब 3.5 अम्पेयर आप समझ लें, 3.5 अम्पेयर के ऊपर ये हमारा डीसी के ऊपर फैन चल रहा है, क्योंकि हमारी एक जो 150 वाट की सोलर पैनल है उसके ऊपर ये आराम से ये चल जाएगा, मतलब सर्किट को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये ना हो कि आप मतलब 280 वाली दो प्लेटें पड़ी है तो दोनों लगा दें, सूरत में आपका सर्किट खराब होगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। एक बार दोबारा मैं आपको इसके आरपीएम चेक करवा दूं, एसी के ऊपर हमारे 380 आरपीएम और 21.2 मतलब पॉइंट के ऊपर चल रहा था, और डीसी के ऊपर ये 3 एम्पेयर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और अभी इसके आरपीएम चेक कर लें, 319-20 आरपीएम है, मतलब काफी मतलब अच्छी स्पीड है, इतनी मतलब हल्की स्पीड नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। अगर किसी को सामान चाहिए इंशाल्लाह आपको ओवरऑल पाकिस्तान में प्रोवाइड कर देंगे, और मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटिक रिप्लाई के अंदर ये सारी चीजें ऐड की हैं, मेगा मैसेज का रिप्लाई ना करूं। अगर आप चीज लेना चाहते हैं तो पैसे सेंड करके अकाउंट में मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं आपको सामान जो है वो डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इस काम को सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है ये 100% वर्किंग में है और 100% सक्सेसफुल जा रहा है। ये हमारी शॉप है, अगर किसी को लगता है कि ये बंदा दो नंबर काम करेगा या स्कैम करेगा, ये मेरी शॉप का बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है FFBR से, ये आप चेक कर लें, ज़िशान इंटरप्राइजर के नाम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।